ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभाली तो सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। दरअसल जेडीयू के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय फलक के नेता की इस तरह या इससे भी बदतर विदाई का यह पहला मामला नहीं है। ललन सिंह से पहले के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह की विदाई तो नाटकीय अंदाज में और असम्मानजनक परिस्थितियों में हुई थी। उससे पहले पार्टी के दो संस्थापकों जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की पार्टी से विदाई भी अपमानजनक तरीके से ही हुई थी। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 2003 को जेडीयू का गठन जनता दल, लोक शक्ति और समता पार्टी के विलय के साथ हुआ था। तब जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया था। विलय की गई इकाई को जनता दल यूनाइटेड कहा गया, जिसमें जनता दल का तीर चिन्ह और समता पार्टी का हरा और सफेद झंडा मिलाकर जेडीयू का चुनाव चिन्ह बनाया गया था। इससे पहले 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस ने 14 सांसदों को साथ लेकर लालू शरद यादव से अलग होते हुए जनता दल जॉर्ज बनाया था। उस दल में नीतीश भी उनके साथ थे। इसके कुछ महीनों बाद फिर दोनों ने मिलकर समता पार्टी बनाई थी, जो 1998 और 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शामिल हुई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले शरद यादव की जनता दल और नीतीश जॉर्ज की समता पार्टी ने मिलकर जेडीयू का गठन किया था। तब तय हुआ था कि जॉर्ज और शरद केंद्र की राजनीति करेंगे, जबकि नीतीश कुमार बिहार की कमान संभालेंगे। गौरतलब है 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार हो गई और जॉर्ज शरद सिर्फ एक सांसद बनकर रह गए। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस तब भी एनडीए के संयोजक बने हुए थे। 2005 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब भागलपुर की एक रैली में अटल जी ने नीतीश की जमकर तारीफ की थी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताने से चूक गए। इसके बाद असहज नीतीश ने अरुण जेटली की मदद से तस्वीर साफ करवाई, लेकिन जॉर्ज ने उस पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि यहीं से दोनों के बीच मनमुटाव का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि नीतीश ने तब साफ किया था कि जॉर्ज साहब को एनडीए की बैठक में उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार के फैसले की जानकारी नहीं थी। 2005 में जब नीतीश बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने, तो धीरे धीरे जेडीयू का पावर सेंटर उनकी तरफ केंद्रित होने लगा। पार्टी दो धड़ों में बढ़ती चली गई, एक जॉर्ज का धड़ा तो दूसरा नीतीश शरद की जोड़ी का धड़ा। इससे भी पहले 2003 में जॉर्ज ने दो रैलियां बुलाई थी, लेकिन उसमें नीतीश को न्योता नहीं दिया गया था। इसके जवाब में नीतीश ने भी रैली बुलाई, जिसमें जॉर्ज को नहीं बुलाया गया। 2009 तक दोनों के बीच खटास चौड़ी खाई में बदल गई। जब 2009 का लोकसभा चुनाव आया, तो नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट ही काट दिया। उनकी जगह जयप्रकाश निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया। इससे बौखलाया जॉर्ज ने निर्दलीय टाल ठोक दी। इस मौके को भुनाते हुए नीतीश ने उन्हें जेडीयू से बेआबरू कर विदा कर दिया। जॉर्ज की विदाई के बाद जेडीयू में नीतीश के अलावा शरद यादव ही बड़े कद्दावर नेता रह गए थे। 2003 में अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करने के बाद से वह लगातार इसके अध्यक्ष बने हुए थे। शरद 2016 तक जेडीयू के अध्यक्ष बने रहे। उन्होंने 3 कार्यकाल पूरा करने के बाद अप्रैल 2016 में इस पद को छोड़ दिया था। नीतीश और शरद के बीच खटास तब पैदा हुई थी जब एनडीए ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया था। इस फैसले से नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने एनडीए से ही नाता तोड़ लिया। तब शरद यादव एनडीए के संयोजक थे, उन्हें इस वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। शरद नहीं चाहते थे कि नीतीश एनडीए का साथ छोड़े। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश शरद ने लालू यादव से हाथ मिला लिया। चुनाव नतीजे उनके पक्ष में रहे, नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में उन्होंने पलटी मारकर फिर से एनडीए का हाथ थाम लिया। शरद यादव को यह नागवार गुजरा और उन्होंने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीतीश ने शरद के साथ साथ अली अनवर को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। इस वजह से दोनों की राज्यसभा सांसदी भी चली गई, उन्हें दिल्ली का घर तक भी खाली करना पड़ा था। वहीं नीतीश के गृह जिले नालंदा के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे। वह नीतीश के स्वजाति यानी कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। जब अटल सरकार में नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री थे, तब दोनों की नजदीकियां खूब बढ़ी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान सिंह नीतीश के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और जब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें राज्य का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। दोनों में नजदीकियां इतनी प्रगाढ़ हो गई कि 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस ले लिया और जेडीयू में शामिल हो गए। धीरे धीरे आरसीपी जेडीयू में नंबर दो के नेता हो गए। नीतीश के बाद उनकी ही सरकार और संगठन में चलती थी। नीतीश ने उन्हें 2010 में ही राज्यसभा भेज दिया और 2020 में जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनवा दिया। लेकिन दोनों नेताओं में दूरियां तब बढ़ने लगी जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में आरसीपी मंत्री बन गए। 2020 में जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे थे, तब नीतीश ने मंत्रिमंडल में अधिक सीटें मांगने की डील के लिए उन्हें यह काम सौंपा। आरसीपी पार्टी अध्यक्ष भी थे, लेकिन आरसीपी ने तब खुद को ही मंत्री बनवा लिया। नीतीश इससे नाराज हुए, वह नीतीश के निशाने पर आ गए। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। 2021 में उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनकी जगह जुलाई 2021 में ललन सिंह को यह पद सौंपा गया।
इसके बाद नीतीश ने आरसीपी सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया, इससे उनकी सांसदी चली गई और अंततः उन्हें मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देना पड़ा। बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए और नीतीश के खिलाफ बिहार में घूम घूम कर आवाज बुलंद करने लगी। बिहार के सियासी गलियारों में कहा जाता है कि जो भी नीतीश की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाता है जेडीयू में उसका यही हश्र होता है। इस कड़ी में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत और भी कई नाम हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।